Today I am going to teach you LCM and SCM. So let's start first of all LCM. L means list, C means common, M means multiple. लिस्ट कॉमन मल्टीपल. लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है एक समान, मल्टीपल का मतलब होता है गुणनफल या गुणन, एक समान गुणनफल वाले नंबर. दैट मीन्स द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ. किसी भी दो संख्या में सबसे कम संख्या वाला छोटा नंबर जो कि दोनों के गुणनफल के बराबर हो, मतलब गुणनफल हो. तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि इसे एलसीएम को कैसे डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले मैं दो नंबर ले रही हूँ, 12 एंड 80. अब हमें इसको फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो 2 देखेंगे कि ये हमारा नंबर किससे फाइंड हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा. तो 2 से 2 6 जा 12, हमारा 12 6 12 में 12 हो गया. अब 80, 2 9 जा 18. फिर हम 2 से अगर कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 एंड 2 से 9 हमारा डिवाइड नहीं हो सकता इसीलिए 9. ये 3. अब 3 से देखना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं. तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. फिर 3 से ये 1 बन में, ये 1 बन में, 3 1 जा 3. अब हम इधर वाले नंबर्स का हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे. तो फिर हम देखेंगे 2 2 3 into 3. अब हम इसका मल्टीपल करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36. हमारा एलसीएम कितना हुआ, 36. अब हम ये समझना है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है. तो हमारा अब हम देखेंगे कि 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 18 के टेबल में आता है और सबसे छोटा नंबर है, तो दोनों में एक समान है. तो देखते हैं ना हम एक बार ट्राई करके, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60. ऐसे ऐसे ही लिखेंगे हम 12 का टेबल. फिर अगर हमारा 18 का टेबल है, 18 1 80, 82 36, 83 54, 90, ऐसे ऐसे करेंगे. ओके अब हम ये देख रहे हैं, हमने कहा था कि 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 18 के टेबल में आता है और सबसे छोटा है. तो 36 देखिए हमारा दोनों में है और सबसे छोटा भी है. इसके बाद और भी जो है वो मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, बट 36 एक ऐसा नंबर है जो हमारा 12 और 18 में दोनों में आ रहा है. तो ऐसे हमारा क्या हो गया, 36. अब आइए लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. आइए सेकेंड नंबर लेते हैं, 15 एंड 25. अब इसका भी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. तो 15 का वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे फर्स्ट वाले हम लोग एग्जांपल में किए, वैसे ही इसमें भी करेंगे. तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम हम 2 से देखते हैं, तो 2 से हमारा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 के टेबल में नहीं 15 आता है, नहीं 25 आता है. सो अब 3 के टेबल में देखते हैं, तो 3 5 जा 15, यानी 5 बाद में हमारा क्या, 15 डिवाइड हो गया. अब 3 के टेबल में 25, तो हमें पता है कि 3 के टेबल में 25 आता नहीं है, तो 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे. उसके बाद आ गया 5. हमें पता है 5 से 5 1 बार में डिवाइड हो जाएगा 5, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25. फिर 5 से 1 बार में 5. तब हम इधर वाले नंबर्स का मल्टीपल करेंगे, 3 into 5 into 5, तो 3 5 जा 15, 15 5 जा 75. अब 75 हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा 15 और 25 के टेबल में आता है. सो लेट्स चेक, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 60, 75, ऐसे ऐसे करेंगे. फिर 25 के टेबल, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 100, 25 ऐसा. ओके अब हम देख रहे हैं कि 75 दोनों में कॉमन है और एक छोटा सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है. तो
इसीलिए हमारा एलसीएम कितना होगा 75 होगा। अब आइए हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको एलसीएम का मतलब समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब समान, फैक्टर का मतलब खंडन, विखंडन या विभाजन। दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवेन नंबर। सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करती हो। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एचसीएफ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम एक दो नंबर ले लेंगे 12 and 18। सेम वही नंबर है, आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं। 12 and 18 दोनों को अलग अलग फैक्टराइज कर देंगे। 12 को करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। फिर 18 को वैसे ही कर देंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 12 का हमने देखा कि 2 आया, 3 and 6 आया, 3 आया, सॉरी यहाँ पे 2 है। एंड 18 का 2 3 2 3 हुआ। अब दोनों में हम लोग को कॉमन लेना है। कॉमन मीन्स ये 2, ये 3, तो एचसीएफ हमारा हो गया क्या 6। यानी कि 12 और 18 का एचसीएफ 6। यानी कि अब हमें समझना है कि एचसीएफ मतलब एचसीएफ का मतलब क्या होता है। हमने तो एचसीएफ निकालना देख लिया कि एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो 12 और 18 में 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को फैक्टराइज करने पर सबसे बड़ा और आता है। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है एंड 12 से हो सकता है। फिर 18 एक ऐसा टेबल है जो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 9 से हो सकता है एंड 18 से हो सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो। तो 1 भी तो मिल रहा है, दोनों में तो 1 भी है बट स्मॉलेस्ट है, 2 भी है बट वो भी स्मॉलेस्ट है, 3 है वो भी स्मॉलेस्ट है, 6 है। अब 6 है, देखिए दोनों में 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और दोनों में हाईएस्ट है। सो एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 6। आई होप आप लोग को एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया हो। सो पहले ही बताया है हमने कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, जो फैक्टर करने पे सबसे बड़ी संख्या।